बसमिल्स मैं हूँ कलसूम आप सबको कलसूम किचन इट में वेलकम उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुशबाश होंगे तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए आलू मसाला पीनट चाट तो चलते हैं मिनटों में, में बनने वाली इस चटपटी और मज़ेदार चाट बनाने यहाँ पर मैंने ले लिया एक अदद फ्राई पैन और इसमें दो चम्मच हम घी ऐड कर देंगे जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर देंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए बॉयल आलू जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया था इसको हम गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे और इसमें मैंने ऐड कर दिया एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच ज़ीरा पाउडर लाल मिर्च हाफ टी स्पून और इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे देखिए ये कलर इसका चेंज हो गया है तो हम इसको निकाल कर साइड पर रख देंगे ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है और अब इसी ऑयल में हम ये वाले आलू फ्राई करेंगे इसको मैंने थोड़े बड़े साइज़ में काट लिया था थोड़े बड़े बड़े पीसेस है इसको हम डार्क गोल्डन कलर का भूनेंगे और इसको भी निकाल के साइड पर रख दिया है और अब हम इसमें एक बाउल मूंग ले लेंगे मूँग को भी हम फ्राई करेंगे जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे चाट मसाला ऐड कर देंगे और इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर देंगे और तकरीबन तो तीन से चार मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे ये देखें ये फ्राई हो गए हैं अब हम इसको निकाल लेंगे जो आलू मैंने फ्राई की हुई थे ना उसमें हम ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज़ ऐड कर देंगे प्याज डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया हरी मिर्ची डाल दी हैं सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे दो चम्मच टमाटो केचप मजीद सब्जियां भी ऐड कर सकती हैं जो आपके घर में मौजूद हो सलाद में इस्तेमाल होने वाली सारी सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये मैंने एक चम्मच चाट मसाला डाल दिया अमचूर पाउडर हाफ टीस्पून हाफ टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे जीरा पाउडर ऐड कर देंगे आधा चम्मच और तकरीबन हम दो चम्मच इसमें सिरका ऐड करेंगे आप इसमें लींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास इमली का पल्प है वो भी आप ऐड कर सकते हैं और इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर देंगे ये देखिए हमारी हेल्दी टेस्टी एंड चटपटी चाट तैयार है फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की यूनिक रेसिपी आपको मिलती रहे और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है अब इसको सर्व करते हैं अब इसको चेक कर देखते हैं ये देखें टेस्टी चटपटासा पोटैटो पीनट चाट रेडी है ये देखिए इसका फाइनल लुक है रबीज उजाला आपको शादवाबाद रखे हमेशा हमारे साथ रखे मिलते हैं अगली वीडियो दवाओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज़